नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ स्कॉटिक चर्च कॉलेज में हुई और बाद में इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया। 1916 में जब वे बीए ऑनर्स के छात्र थे, तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आँखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिक चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कर रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा 1st क्लास में पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका 2रा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिल न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक व नैतिक विज्ञान की ट्राईपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्होंने प्रवेश मिल गया। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। तो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4th स्थान प्राप्त करते हुए पास कर लिया। राजनीतिक जीवन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वे कैसे किए, तो चलिए मैं बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने यह तय किया कि वे एक जन आंदोलन आरम्भ करेंगे। पूरे भारत में लोगों को इस आंदोलन के लिए प्रोत्साहन करने लगे और लोगों को जोड़ना भी शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत की भनक लगते ही ब्रिटिश सरकार को सहन नहीं हुआ और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में 2 हफ्ते तक खाना तक नहीं खाया। खाना न खाने के कारण जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो हंगामे के डर से उन्हें घर में नज़रबंद करके रखा गया। साल 1941 में उन्होंने इस हाउस अरेस्ट के दौरान सुभाष ने जेल से भागने की एक योजना बनाई। वो पहले गोमो बिहार गए और वहाँ से वो सीधा पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा, चले गए। उसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहाँ हिटलर से मिले। 1943 में बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी आर्मी को तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज रखा और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई, जिसने जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। 18 अगस्त 1945 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।